हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 44-46 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 चैप्टर 2। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 44 ट्रांसफ़र बाय कोओनर, मतलब कि जहां पे एक ही प्रॉपर्टी के एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक कोओनर्स हैं, मतलब साथ में उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और वो लीगली कम्पीटेंट हैं कि वो अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर उस प्रॉपर्टी में या अपने इंटरेस्ट। तो जो ट्रांसफ़री है वो एक्वायर करता है उस शेयर या इंटरेस्ट में जितना नेसेसरी है ट्रांसफ़र को इफेक्ट देने के लिए। जो ट्रांसफ़रर का राइट है उस जॉइंट पोजीशन में या कॉमन या पार्ट एन्जॉयमेंट है उस प्रॉपर्टी में, और उसे एनफोर्स करने के लिए पार्टीशन को, बट सब्जेक्ट रहेगा वो उन कंडीशंस और लाइबिलिटीज से जो उस टाइम पे उस जब ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें जो कंडीशंस और लाइबिलिटी अफेक्ट कर रही होंगी शेयर और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के, और या जो जो शेयर और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुए हैं। फिर जहाँ पे ट्रांसफ़री जो है वो शेयर कर रहा है एक ड्वेलिंग हाउस, मतलब रहने का घर, रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो कि बिलोंग कर रही है एक अनडिवाइडेड फैमिली से और वो उसका मेंबर नहीं है, तो वो डीम नहीं करेगा उसे कि वो एंजॉय कि वो जॉइंट पोजीशन ले सके या कॉमन या पार्ट एंजॉयमेंट ले सके उस हाउस की। फिर सेक्शन 45 बात करता है जॉइंट ट्रांसफ़र फॉर कंसिड्रेशन, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है कंसिड्रेशन के लिए दो या दो से अधिक पर्संस के द्वारा, और ऐसी कंसिड्रेशन जो है वो एक फंड से पेड हो रही है जो बिलोंग कर रहा है उनसे कॉमन। तो वो जो है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी में नहीं है तो वो एंटाइटल्ड होंगे उस इंटरेस्ट के लिए उस प्रॉपर्टी से जितना उनका इंटरेस्ट होगा रिस्पेक्टिवली उस फंड में, और जहाँ पे वो कंसिड्रेशन पे आउट हो रहा है अलग अलग फंड से जो उन्हें बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो एंटाइटल्ड होंगे अपने इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी का जिस प्रपोर्शन में वो शेयर लेंगे और उनके कंसिड्रेशन के अकॉर्डिंग, और या जो उन्होंने एडवांस किया होगा। और अगर कोई एविडेंस नहीं है उस इंटरेस्ट को लेकर जो फंड है जिसमें वो एंटाइटल होंगे और जो शेयर्स हैं जिसके लिए वो एडवांस किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रज्यूम किया जाएगा कि वो इक्वली शेयर रख रहे हैं, इक्वली इंटरेस्टेड हैं उस प्रॉपर्टी में। इसमें सीधी सी बात है, अगर कोई पे कर रहा है अब कुछ भी कंसिड्रेशन, तो अगर एक प्रॉपर्टी है उसमें तीन लोग हैं, पहले वाले ने 50% अमाउंट पे किया, दूसरे ने 25 किया, तीसरे ने 25 किया, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास 50% एन्जॉयमेंट करने के लिए उसके वो एंटाइटल्ड होगा, और जो बात के दो लोग हैं उनमें 25-25% का होगा। फिर सेक्शन 46 बात करता है ट्रांसफ़र फॉर कंसिड्रेशन बाय पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है कंसिड्रेशन के लिए और जो पर्सन्स हैं उनका इंटरेस्ट अलग अलग है, तो जो ट्रांसफ़रर्स हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी में नहीं है तो एंटाइटल्ड होंगे कि वो शेयर करें इक्वल कंसिड्रेशन, और जहाँ पे इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी में वो इक्वल वैल्यू के हों, और जो ऐसे इंटरेस्ट हैं अगर वो अनइक्वल वैल्यू के हैं तो वो उस प्रपोर्शन में करें जैसे उनके इंटरेस्ट हों। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप बताएं कमेंट करके, और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।